कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मिलकर के बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले आखिरी टी20 मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो आखिरकार इस टीम में क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं, चलिए दिखाते हैं आपको सब कुछ इस छोटी सी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप हमारी बस से एक छोटी सी विनती यार कि वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों हमने देखा कि पहले और दूसरे टी20 मुकाबले में भारत की टीम ने शानदार तरीके से जीत हासिल की, लेकिन बात करें शिवम दुबे की तो दोनों मुकाबलों में फैल रहे। ऐसे में देखा जाए तो शिवम दुबे का इस तीसरे टी20 मुकाबले में कोई भी हक नहीं बनता कि वो इस मुकाबले में खेलें, और उनकी जगह पर इस तीसरे टी20 मुकाबले में रियान पराग को मौका दिया गया है। बस यही एक बदलाव था जो टीम में देखने को मिला, बाकी की आपकी वही टीम रहेगी। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ऋतुराज गायकवाड़, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, और बात करें हम कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और शिवम दुबे की जगह पर रियान पराग की एंट्री हो जाएगी, बाकी की पूरी टीम वही रहेगी। सिर्फ एक बदलाव इस टीम में देखने को मिला है।